हेलो अंकल, प्लीज सब्सक्राइब भैया जी का चैनल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। चलो जा रहा है रोड की साइड, फिलहाल मैं रोड की ओर निकल रहा हूँ और आज हमें देर भी कुछ, अभी फिलहाल हल्द्वानी जाना है। हल्द्वानी जाके पहले हमने सूरज से मिलना है, उसने कोई जगह डिसाइड कर रखी है, आई डोंट नो वेयर, या तो वहाँ चलना है, तुम आ जाओ बस। गाइस फाइनली हम पहुंच गए काठगोदाम पे और हमारे गाइड मिल चुके हैं जो हमें गाइड करेंगे। देखो ये गाइड है हमारा, और सच बात बताऊं, हम लोग जब हम लोग स्कूल में थे तब गए थे, वो भी दोनों स्कूटी में गए थे। हम फुली पैक्ड होके, मतलब गाड़ी में तेल डला के अपना निकल चुके हैं। मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है कहाँ है जगह का नाम, हेड़ा खान है। ये जो रास्ता जाता है चोर गलिया वाला रास्ता है, चोर गलिया पंचनगर वाला, यहाँ से शॉर्ट होके निकलता है हल्द्वानी के पीछे से, और ये रास्ता आगे आपको गोला वाले रास्ते में मिल जाएगा, जो कहते हैं गोला पुल वाला रास्ता था वो आगे से यही कनेक्ट हो रहा है। तो ये दो रास्ते हैं जो ये बाईपास के तौर पर काम आता है। फिलहाल अभी हमने यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा आगे से हमने कट जाना है हेड़ा खान के लिए। ये जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है वो है, ये पीछे का गेट है। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच रहे हैं ओल्ड गोला पुल पे। पहले ये वाला रास्ता यूज़ होता था, तो यहाँ का जो गोला पुल है वो काफ़ी पुराना है। आपको दिख रहा होगा जो नीला नीला सा बैराज है, जैसे हमारा रामनगर का बैराज है, यहाँ एक गोला हल्द्वानी गोला का बैराज है। ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये नीचे को जाएगा चोर गलिया का और ये ऊपर को जाएगा हेड़ा खान की साइड। तो हम लोग ने ऊपर को निकलना है और हेड़ा खान है 31 किलोमीटर, और अब यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा और एक जगह पर ऐसी है जहाँ पर से आपको हल्द्वानी दिखेगी। नीचे काठगोदाम रेलवे स्टेशन है और इसके आसपास आप देखेंगे तो पूरा हल्द्वानी काठगोदाम का शहर है। एक छोटा सा शॉट लेने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे को। हम लोग रसीला पे और एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने, टी ब्रेक लिया था, और हमें यहाँ पर एक भैया लोग मिले हैं। ये भैया मिले हैं हमें। हेलो सर। हेलो भैया। हेलो अंकल। आप लोग यहीं लोकल के? जी। आप लोग कहीं घूमने गए थे ऐसे? नहीं नहीं भाई, अपने घर से थोड़ा सा 10 कदम ऊपर आ गया हमने। अच्छा। नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता कर रहे हैं बस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। प्लीज सब्सक्राइब भैया जी का चैनल, लव यू। हम लोग चाय पी के हम लोग आगे चल रहे हैं। इस टाइम पे अभी हम लोग न्यूट्रल में चल रहे हैं क्योंकि रास्ता पूरा ढलान है। हेड़ा खान अभी भी 23 किलोमीटर दूर है। क्या हो गया? वहाँ वहाँ से इधर तक आया, धक्का मारते 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 ऐसे सोचा है चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ी। फीलिंग पूरी पहाड़ों की जैसी आएगी आपको यहाँ पर, क्योंकि पूरा पहाड़ वाला एरिया है ये और ठंडा बहुत होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीन में। अभी भी 12 किलोमीटर दूर है हम, और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस हिसाब से तो हम लोग 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। किसी ना किसी हम लोग पहुंचे हैं दो राहे पे, एक ये रास्ता नीचे को जा रहा है और एक ये रास्ता ऊपर को जा रहा है, तो हमें फिलहाल अभी ऊपर की साइड जाना है। नदी देख रहे हैं, ये गोलानी है, बहुत ही फेमस नदी है खनन के लिए। मेरे पीछे जो देख रहे होंगे VIP रेस्ट हाउस है हेड़ा खान का। काफी प्यारा दिख रहा है और जस्ट इसके बगल में नदी बह रही है। फटाफट निकलते हैं आगे, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, तो हमने दर्शन करके फिर वापस भी आना है क्योंकि ये रास्ता रात के टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हम लोग को कहाँ पहुँचना है तो आप ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, हम लोग ने अभी फिलहाल यहाँ को पहुँचना है। हम फाइनली पहुँच गए, पार्किंग ढूंढ रहे हैं।
अब हम लोग चल रहे हैं पैदल रास्ते में हेड़ा खान मंदिर की तरफ। मैं भी तो बहुत टाइम बाद आ रहा था, मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या नया चेंजेस आए हैं यहाँ पर। एक ही छोटी सी शॉप है, आपको कुछ भी यहाँ पर प्रसाद ना है या आपको नाश्ता करना है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये आ चुका है प्रसाद भैया। अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर, चलते हैं अंदर। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 साल या 6 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पर, तो कुछ था भी नहीं यहाँ पर उस टाइम पे। और एक छोटा सा रास्ता होता था, पतला सा, जो इस रास्ते में हम आए हैं और फिलहाल सीधे मंदिर में घुसते थे। अब इस बीच में यहाँ पर काफी धर्मशाला वगैरह बन चुकी है। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। एक ये मूर्ति बनी हुई है, और आप इनके चरण पादुका के निशान देख सकते हैं। हॉल में खड़े हुए हैं, अगर कोई भजन कीर्तन वगैरह कुछ होता है तो इसी जगह पे होता है। वो सामने गद्दी लगा रखी है, मंदिर में सारा परिसर बाबा जी की फोटो से सजाया गया है। तो ये बाबा जी की फोटो है, एक ही गद्दी सजा रखी है। अरे बाबा जी की खड़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, तो आप पीछे देख रहे हैं, ये तो एक आर्ट बना रखा है बाबा जी के ऊपर। यहाँ ऊपर मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, अब हम लोग ने जाना है नीचे की ओर। ये नदी पार करके हमने वहाँ उस मंदिर में जाना है, तो उसके लिए हमें इस गेट से नीचे जाना पड़ेगा जो एक पैदल रास्ता जाता है, फिर आप वहाँ नदी पार करेंगे। अच्छा, कैसा है फिर नीचे? बढ़िया, गुफा है नीचे। गुफा है, दस मंदिर। अच्छा, तो ये पूरा सीढ़ी नुमा रास्ता है, फिर आगे जाके आप नदी क्रॉस करेंगे। काफी अच्छे तरीके से इसको सजा रखा है, और पीछे एक ये गेस्ट हाउस है जो काफी प्यारा दिख रहा है। दिखाया वो पीछे मेडिटेशन जोन था, यहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस जगह का नाम है बाबा हेड़ा खान मोक्ष धाम, तो यहाँ पर मेडिटेशन के लिए है। जो लोग मेडिटेशन करने आते हैं, ध्यान लगाने आते हैं, वो इस जगह पे आते हैं। सो अब हमें इसके पार जाना है, वो मंदिर है जहाँ हमें दर्शन करने जाना है, तो चलते हैं। फिलहाल अभी हमने छोटी सी नदी क्रॉस करी है और मेन स्ट्रीम आगे है,
और बीच में यहाँ काफी ज्यादा सॉल्स लगे हुए हैं जैसे गर्जिया में लगे होते हैं। प्रसाद लेने के लिए आपको कुछ चाय नाश्ता करना है उसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा सॉल्स बने हुए हैं, आप यहाँ रुक सकते हैं। गाइस एक चीज देखी मैंने यहाँ पर, नदी का पानी मोड़ के यहाँ पर चक्की बना रखी है। और आपकी है ना? अच्छा, अंकल की बुबू की है। बुबू आपकी है? हाँ हाँ। यार ये सही जुगाड़ कर रखा है भाई। ये पंचक्की कहलाती है वैसे, लेकिन नदी में पहली बार देखी मैंने, नहरों में देखी है मैंने। जो मैंने पंचक्की की बात करी, आप ये देखिए, ये पानी मोड़ रखा है, एक ही नहर जैसी बना रखी है और यहाँ से सीधे पानी ये जा रहे हैं। और ये पानी का फोर्स अंदर जो मशीन लगी हुई है आटा पीसने की, उसे घुमा रहा है और फिर आटा पीसा जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आप सिलबट्टे भी बनाते हैं? सारे गाँव में यही चीज चलता है हमारा, ऐसे बता के बहुत बढ़िया। वो कितने दिन में बन जाता है वैसे सिलबट्टा? एक बन जाता है एक दिन में, एक दिन में नीचे सील हो गया और ये बट्टा हो गया। पिसा हुआ मसाला की सब्जी अपने दाल वाल सब काफी खाई होगी, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ बनते हुए। और वो बता रहे हैं कि वो रोज का काम है उनका। बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि ये रस्सियों के सहारे और प्लैंक से बना रखा है, टूट गया तो क्या हालत होगी पता नहीं। लेकिन भाई हिल भी बहुत रहा है और पानी तो बहुत प्यारा दिख रहा है। चलिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये गुफा का मुहाना है और इससे आप अंदर चलेंगे। थोड़ा सा आगे जाके फिर ये मेन गुफा का दरवाजा है। तो यहाँ बाबा जी तपस्या करते थे। चल रहे हैं मेन मंदिर की तरफ। पर तो अगर आप जहां से देख रहे हैं तो ये 9 मंदिर का समूह है पूरा से लेके उधर तक। तो फटाफट सब में दर्शन कर लेते हैं। ये यज्ञ स्थल है, ठीक है, हवन कुंड आप देख रहे होंगे और ये मंदिर का परिसर है। खेड़ा खान मंदिर के दर्शन हो चुके हैं पूरे और अब हम लोग लौट रहे हैं घर की ओर। और बाकी सूरज उतर खड़ा है तो अब हम लोग जा रहे हैं सीधे घर की ओर। और घर के हम फिर हम लोग को अंधेरा हो जाएगा रास्ते में, तो हम लोग शूट नहीं करेंगे रास्ते में, हम लोग को घर भी पहुंचना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन चलो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट तो कर ही देना, ठीक है।